पुराण दशम स्कंद 69वां अध्याय देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना। भागवत पुराण दशम स्कंद 69वां अध्याय देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अहो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पाणि ग्रहण किया। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुँचे। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफ़ेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद, कोई और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9,00,000 महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि पन्ने की प्रभाव से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थीं। उनके राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उनका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाज़ों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उनका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतःपुर रनिवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थीं और वहाँ की गच्चे भी ऐसी इंद्रनील मणियों के से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालड़ें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसान और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झड़ोखों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए
मोर बादलों के भ्रम से कुक 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 कर नाचने लगे, कुक कुक कर नाचने लगे। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी वाले चवन से हवा कर रही हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मणी जी के समान ही गुण रूप अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थी, नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्म उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्य देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखाड़े और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि नर के सखा सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म यश श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, आपकी हम क्या सेवा करें। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं, आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान यह बात हम भली भांति जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं। जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपने आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जैसे रहूं, उनके ध्यान में तन्मय रहूं। परीक्षित, इसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वर भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी अर्चा पूजा की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्मा राम आप्त काम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्म स्वरूप नारद जी, आप कुछ ना कुछ आज्ञा
अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी यह सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। उस महल में भी देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहाँ से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे थे तो कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं वंदी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण से सुसज्जित गौओं का दान कर रहे हैं तो कहीं मंगल में इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महलों में अपने प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष ध्यान कर रहे हैं तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इस विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो गए जाते थे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा अपनी कला स्वरूप देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृगया कर रहे हैं और उनमें यज्ञ के लिए मेध्य पशुओं का ही वध कर रहे हैं, और कहीं प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रहकर सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों ना हो, भगवान योगेश्वर जो हैं परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई हैं। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवनों आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीलाओं का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि
नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सल्लज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममय भक्ति प्राप्त हो जाती है।